प्रिय छात्र छात्राओं, ऑनलाइन व्यवस्था में आप सभी का स्वागत। आज कक्षा 12 विषय हिंदी, हिंदी काव्य के विकास पर प्रकाश डालने चल रहे हैं। पिछले दिन हम आपको कुछ प्रश्न बताए थे, उसी से संबंधित कुछ आज भी प्रश्न बताने चल रहे हैं, जो इस प्रकार से है। प्रश्न पहला है कि हिंदी साहित्य के इतिहास में किस काल को स्वर्ण युग कहा जाता है? उस काल के किसी एक प्रमुख कवि का नाम लिखिए। उत्तर उसका है कि हिंदी साहित्य के इतिहास में भक्ति काल को स्वर्ण युग कहा जाता है। इस काल के प्रमुख कवि सूरदास और तुलसीदास जी हैं। अगला प्रश्न है कि भक्ति काल में भक्त भावना किस रूपों में प्रकट हुई? उत्तर है, भक्ति काल में भक्ति भावना मुख्यतः निम्नलिखित दो रूपों में प्रकट हुई, सगुण भक्ति भावना, निर्गुण भक्ति भावना। अगला प्रश्न है, भक्ति काल के चार प्रमुख कवियों के नाम लिखिए। उत्तर है, भक्ति काल के चार प्रमुख कवि हैं। पहले नंबर पर है संत कबीर, दूसरा है मलिक मोहम्मद जायसी, तीसरा सूरदास, चौथा गोस्वामी तुलसीदास। अगला प्रश्न आपका है कि प्रेम मार्गी काव्यधारा के तीन कवियों के नाम लिखिए। उत्तर है, प्रेम मार्गी सूफी काव्यधारा तीन प्रमुख कवियों के नाम लिखिए। जो इस प्रकार से है, जायसी, उद्वन, मंझन। उत्तर है, किस काव्यधारा के प्रवर्तक का नाम बताइए। उत्तर है, कृष्ण काव्यधारा के प्रवर्तक स्वामी वल्लभाचार्य जी हैं। और प्रश्न अगला है कि अष्टछाप के किन्हीं दो कवियों के नाम बताइए। उत्तर है, अष्टछाप के दो प्रमुख कवि हैं सूरदास, नंददास। राम काव्यधारा के कुछ भक्त कवियों के नाम लिखिए। तो इस प्रकार से है, उत्तर देखिए, राम काव्यधारा के प्रमुख भक्त कवियों के नाम इस प्रकार है, गोस्वामी तुलसीदास, अग्रदास, नाभादास, सेनापत, दयाराम, शूदन, केशवदास तथा प्राण चंद पाल। अगला प्रश्न है कि हिंदी साहित्य के प्राचीनतम महाकाव्य का नाम लिखिए। उत्तर, हिंदी साहित्य का प्राचीनतम महाकाव्य गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित श्री रामचरितमानस। अगला प्रश्न आपका होगा कि अवधी भाषा में लिखे गए दो प्रमुख महाकाव्यों के नाम लिखिए। अवधी भाषा में लिखे गए दो प्रमुख महाकाव्य हैं श्री रामचरितमानस एवं पद्मावत। श्री रामचरितमानस तुलसीदास कृत है और पद्मावत मलिक मोहम्मद जायसी रचित। प्रश्न अगला है कि रीत काल का यह नाम क्यों पड़ा? इस काल के एक प्रसिद्ध कवि का नाम लिखिए। उत्तर है कि इस काल में क्योंकि काव्य शास्त्रीय परंपरा के अनुरूप रीत अर्थात लक्षण ग्रंथों का प्रणयन अधिक हुआ, अतः इसे रीत काल कहकर पुकारा गया। रीत काल के सबसे प्रसिद्ध कवि केशवदास जी हैं। अगला है कि रीत काल में वीर रस की कविता किस कवि ने लिखी? रीत काल में वीर रस की कविता लिखने वाले कवि भूषण थे। लास्ट अपना प्रश्न, अगला प्रश्न है कि खड़ी बोली का प्रथम कवि किसे माना जाता है? तो खड़ी बोली का प्रथम कवि अमीर खुसरो माने जाते हैं। तो प्रिय बच्चों, ये काव्य साहित्य से संबंधित प्रश्न आपको हम कई दिनों से बताते आ रहे हैं और पिछले हफ्ते में हमने आपको छोटे छोटे प्रश्न, तमाम सारे प्रश्नों की जानकारी दिए। अब जहाँ तक छोटे प्रश्नों की बात रही, वो अब प्रश्न यहीं पर समाप्त करके अगले दिन हम आपको जो है काव्यांजलि से संबंधित कुछ जानकारी देने का प्रयास करेंगे और आप इन सब को जो है नोट बनाते चलिए, क्योंकि नोट बनाने से आपको काफ़ी राहत मिलेगी तैयारी करने में भी और पढ़ने में भी।